इन शैतान के दिन बिस्मिल्लाह आपके हमारे नामान खसूसी और मुझे बहुत परसुएट करने वाले इस स्कूल के सिलसिले में जनाब वाइस चांसलर साहब हैं, इनके लिए तालियां बजाएं वरना शायद स्कूल मेरे साथ करके नहीं होता। तो माय रिकग्निशन इज स्टिल एज ए टीचर, तो मुझे स्कूलों से इसलिए ज़्यादा मोहब्बत है कि इसी ने मुझे आगे बढ़ाया है। सिंडिकेट के मीटिंग में यह तय किया गया कि यहाँ पर स्कूल असातिज़ा के बच्चों के लिए या और हमारे जो कलीग्स हैं उनके लिए, वो दूर दूर जाते हैं उनके लिए स्कूल होना चाहिए। तो ये कोई पहला स्कूल नहीं है, यहाँ पहले भी दो दफ़ा स्कूल मतलब ये है कि बना चुके हैं। तो काफ़ी सोच के बाद में ये इस नया स्कूल बनाने के सिलसिले में सोचा गया और इसमें हमारे सिटी वाइस चांसलर साहब का बहुत मुझे इंकरेजमेंट के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी रहेगा। अब भाई इतने तालियाँ बजा दो भाई मेरे लिए, कभी बजाओ तो कम से कम। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, पढ़ना चाहिए, अपने औलाद को पढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अंटिल माय ग्रेजुएशन मेरे घर में बिजली नहीं थी, मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था और मेरी किताब आ रही है उसमें टाइटल पे ही एक बच्चा जो है वो सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता है। और बच्चों का आया बिजनेसमैन फैमिली से, इंडिया से, तो पहला नफ़ा कमाया 2 पैसे, तो किताब का नाम भी रखा है 2 ही पैसे। हमारे जो डिफेंस में लिखने वाला डिफेंस में रहता है, कहने आप ये दोनों बातें बड़े अजीब सी कर रहे हैं। टुडे यू आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान, और जब प्राइम मिनिस्टर ने हमें ट्रॉफी दी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप ये अजीब सी बातें नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिया और आप ये इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें एक लोअर स्टेट पर जाकर करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मेरे घर में चूँकि जगह नहीं थी तो मैं स्ट्रीट पे ही सोता था अंटिल माई ग्रेजुएशन। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती, बल्कि मैं ये कहता हूँ तो लोगों के लिए इंकरेजमेंट का एक पॉइंट है कि हर बड़ा आदमी को बड़े खानदान से पैदा नहीं होता। ठीक है, आवाज है रिच फैमिली इन इंडिया, यहाँ आके बहुत मुश्किल में हुए और बहुत मुश्किल में है कि फिर हमें लियारी में जाके पढ़ना पड़ा, बिहार कॉलोन में जाके पढ़ना पड़ा, जहाँ पढ़ना पड़ा। लेकिन बहरहाल कराची यूनिवर्सिटी से भी बहरहाल हम इकोनॉमिक्स में हमें मास्टर की डिग्री दी गई। तो बिजनेस में चले गए सोसाइटी में, हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा गरीब का मकान है, लेकिन बेगम का नकाम था नाम था, मेरे नाम से कुछ नहीं होता था। होता ये था कि हम कई सौदे किए कैंसिल हो गए। हमारे बेगम ने कहा कि आपके दफ़ा मेरे नाम कर लो, मैंने कहा मेरे अब्बा को पता लग गया तो बाल उड़ा देगा। और एक दिन यही हुआ, एक दिन आ गया डाकिया के बेगम यासिर मलिक के नाम से खत आया, उन्होंने कहा बेगम के नाम से खत क्यों आया, पता लगा वो तो लैंड लेडी मुझे बता दिया, तो मैं पिछले दरवाजे से कूद के आया। तो बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया, लेकिन कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी है कि दौलत जो है वो कहते हैं कि बेगम की किस्मत की और औलाद जो है वो मर्द की किस्मत की, मुझे नहीं होती। लेकिन दीन में इसका कोई हवाला नहीं, अलबत्ता इंडियन माइथोलॉजी में, चूँकि मैं इंडिया में हिंदी मैंने बहुत पढ़ी है, बल्कि अक्सर ब्रिटिशर मुझे ये भजन गाने के लिए मुझे बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लड़के अभी यहाँ बंदर रोड में बहुत बड़ा मदरसा ये बंदर है, वो लड़का बार बार गलत पढ़ रहा था भजन, मैंने कहा भाई ये नहीं ये ऐसे करो, तो वो जाकर बेचारा बड़ा कहने लगे साहब आप ही इंतजार करा दें। तो मैं भजन गाने लगा तो जाके देखा ही, तो देखा पाकिस्तान टेलीविजन का वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं बोला सोचा सुबह सुबह मेरा पाकिस्तान टेलीविजन पे कई सालों से
और केड़ा आदमी है ऐस सुबह हिंदू तो शाम को मुसलमान, ये क्या चक्कर है। बहरहाल स्कूल जो है ये दो पिता कमरसे में हमने बनाया, फंक्शन में आए हैं। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी हम इस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। बाखुदा मैं कोई यूनिवर्सिटी के सिलसिले में खिदमत करने में कोई एहसान नहीं समझता, बल्कि मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मुझे आखिर इस यूनिवर्सिटी ने इस स्टेज पर पहुँचाया है। आई ओ ए लॉट टू दिस यूनिवर्सिटी। जो कोई भी कोई सिलसिला हो जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ बिला मुबारका मुझे, मतलब ये है कि एक हमारा दोस्त है बस वो हमें हलीम खिला देते हैं हर साल, तो बस वो खिला पिला के हमारा मुँह बंद कर देते हैं, साल वो भी गायब हो गए। तो शायद कहते हैं कि अभी बीमारी है वगैरह वगैरह। बहरहाल अभी सामने काफ़ी वक्त ले लिया, मैंने सोचा